नमस्कार साहब, एक मिनट रुकिए, नॉइज़ रिडक्शन करके आ रहा हूँ। नीचे से नहीं, पंखा बंद करके आ रहा हूँ। तो बहुत दिनों बाद आज अपनी मुलाकात हुई है। पिछली बार आपसे रूबरू हुआ था जब मेरी एग्ज़ाम थी, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। 3 दिन एनाटॉमी पास हो गए, बस ऑल क्लियर। अरे कुछ भी किया हो, साल भर मेहनत करी, पास हुए हक से। अब आ गया सेकंड ईयर, एक वक्त चालू हो गया जिंदगी का। क्या हुआ, वैसे आपने देखा होगा शक्ल भी थोड़ी अलग सी लग रही है, बीमार हो गया था, एक्यूट अटैक ऑफ साइनसाइटिस, साइनस मैक्सिलरी, भयंकर दुख रहे हैं, पूरे भरा गए सेवड़े से। सेवड़ा समझते हैं, म्यूकस इंग्लिश लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं, बायोलॉजी नहीं, मेडिकल लैंग्वेज में म्यूकस, उससे भरा गया, छीक छीक के भयानक दर्द हो रहा है, बस ये वाले में भयानक वाला। और एक इम्पैक्टेड अपर थर्ड मोलर भी है, वो भी दुख रहा है साथ साथ, तो सोचिए कितना दर्द है। अब इस दर्द के बाद जो है मैं आया यहाँ पे, सॉरी यहाँ मैं नीचे देख रहा हूँ, क्या ना मेरे सामने मेरे चेहरा देखने मुझे बहुत मजा आ रहा है इसलिए। तो आज फाइनली इंदौर वापस है, बढ़िया रिम जिम में, जय बाबा बाल हनुमान बस ट्रैवल में, उज्जैन से इंदौर, दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे लेजेंडरी, सबसे ऐतिहासिक जर्नी जो मैंने ज़िंदगी में हज़ारों बार कर ली, हज़ारों नहीं तो चलो 100 बार तो करी ली होगी, आखिर करी। और अपने को चली खुजली, बॉस कौन सी खुजली, वही अपने पास वाले को देखने की, ऑब्जर्व करने की और उससे सीखने की। आप भी सीखा करो, जितना सीखना आप मालवा में कर सकते हो ना लोगों से, उतना अपना इंसाइक्लोपीडिया गूगल खोल लो ना तो आपकी साथ पुछते नहीं कर सकती, उतना आपको मालवा के लोग पास बैठ के सिखा जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। इसलिए पीछे देख रहे हो आप, मेरा रूम है, बेडरूम इंदौर वाला, मेरी बुक शेल्फ थोड़ा ऊपर करने दीजिए उंगली, ये मेरी बुक शेल्फ, वो टेबल स्टडी टेबल, पीछे ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे ये वॉश बेसिन, सॉरी मेरी उंगली है, वॉश बेसिन, टॉयलेट का रास्ता। तो ज़रा आपको आज का वर्णन सुनाता हूँ। मैं बैठा हूँ खिड़की पे, मेरे पास में एक भाई साहब बैठे हैं, और वो भाई साहब जो हैं वो थे इंदौर के, मालवा के, मध्य प्रदेश के, और उनके पास में जो भाई साहब बेचारे सीधे से थे, मेरी उम्र के दिख रहे थे, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 साल मात्र, वो थे बेचारे निमाड़ के। और उनकी सबसे बड़ी गलती जिंदगी की यही थी कि वो निमाड़ी थे। वो आप सुनिए, मास्टर जी नाना खड़ा शांति से बैठ रहे हैं, एक सेकंड कोल्ड ड्रिंक पी लो, बेस आता है गले में, कुछ और नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही, हाँ स्टाइल पर वही है पीने की अपनी। तो हुआ ये कि चलिए बस, कहाँ जा रहे हो आप, मैं थामनोद तरफ जाना है मेरे को, मतलब है थामनोद तरफ जा रहे हो, तो ये वाली बस कैसे, मतलब नहीं मैं इंदौर से दूसरी बस पकड़ूंगा। अच्छा अच्छा, इंदौर से पकड़ोगे दूसरी बस, तो बढ़िया, ये बस तो बहुत अच्छी है, मतलब जय बाबा बाल हनुमान की, ये बाणेश्वरी से भी अच्छी है एक तरफा, बाणेश्वरी वाला तो क्या बदतमीज भी है थोड़ा सा, ये बहुत सलीकेदार है, इसका कंडक्टर ऑन भी क्लीनर कंडक्टर जो है नी, तमीज से बात करते हैं। तो धामनोद कैसे, अभी बस मिल जाएगी आपको, देखते हैं आप वहाँ सरवटे पहुँच के, मिल तो जाती है वहाँ हाईवे तरफ, रुक जाती बस, बस तो अपन तो जो है नाके पर उतर जाएंगे धामनोद के, मतलब प्रॉपर धामनोद के आप, नहीं मैं धामनोद पास एक गांव आता है वहाँ का, तो गांव कैसे जाओगे इतनी रात को। तो भाई साहब जो थे दूसरे वाले धामनोद वाले, अब वो उनकी रही थी सटक, क्या करें फंस तो गए हैं, नहीं देखिए फोन तो लगाया है मैंने भी, आ जाएंगे घर वाले कुछ लेने, मैंने साथ में मैडम भी है अपनी, साथ में वाइफ मिसेज, अच्छा नहीं बाकी वैसे ठीक नहीं है वो इलाका है ना, बहुत सुना मैंने, मैं उधर भी रहा हूँ बहुत टाइम,
अपने धामनो खड़गोन बड़वानी खंडवा सब सब नाप लिया एक साथ मैंने तो बहुत टाइम तक। पर जगह अच्छी है जब वो मतलब उसमें कोई दो राय ने तीन सेन कुछ भी नहीं लगे उसमें तो। और फिर पर आपको जैसे देख लेना बस मिले नहीं मिले कभी ऐसा आजकल ट्रेन नहीं है वहाँ की। ट्रेन एक्चुअली सर यहाँ से बड़वानी तरफ से कहीं से जाती है वो उज्जैन से जाती है। देखो मैंने की थी आपको मतलब उज्जैन जो है ना ये इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। उज्जैन में पूरे ऑल इंडिया की ट्रेन रुकती है ऑल इंडिया की ट्रेन जाती है और कोई ऐसी ट्रेन है नहीं जो उज्जैन को टच नहीं करती भले ही हिट जाए साइड से पर टच करती। अब देखो नागदा साइड में ही है पर टच जरूर करेगी ट्रेन भले राजधानी शताब्दी कुछ भी हो है कि नहीं। क्यों भाई साहब भाई साहब ने मेरी ओर देखा। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो मतलब क्या सही कह आप ना अगस्त क्रांति राजधानी न फलाना कि ढिमकाना न चिमकाना सारी ट्रेनों ने उज्जैन तो टच करके जाए नहीं भले दूर से हान मार जाए। पर ये वैसे बस भी अपनी उज्जैन की ना उज्जैन इंदौर की बढ़िया चलती है एक तो बाणेश्वरी ने कि है बाबा हाल भनवान है नहीं वज हनुमान माले की बस एक तरफा है इसके जो मतलब सर्विस ऑन है बाकी एमपी रोडवेज तो खत्म पानी कम है अब वहां तो क्या उसमें रह क्या गया तो रूल रोड खाया है नेता उनने ना वो आईएएस उनने मिलके। और मैं बोल रहा हूँ भाई साहब इतना तेज चलती थी ना बसों में एमपी रोडवेज की ये बात ये रोड नहीं थी पर बसों चलती थी और एक तरफा तो वक्त भी था। आप तो छोटे हो गए जब आप तो बहुत छोटे हो गए क्या मतलब आप तो अभी तब तो आपकी दाढ़ी मुझ भी नहीं आई होगी है कि नहीं। मैंने कहा जी भैया इतने में वापस आए निमाड़ वाले भाई साहब की ओर वो। हाँ तो मतलब निमाड़ निमाड़ में तो खूब खूब गर्मी पड़ती है भरचक एकदम है हालत खराब हो जाती होगी वहां तो आप मतलब तंदूर सड़ी के आपके जल पड़ते होंगे पूरे पूरे। हाँ वो तो बहुत गर्मी है वहां तो वैसे नर्मदा जी की कृपा है पर गर्मी तो वहां भी बहुत है। देखो अपना इंदौर बढ़िया है इस मामले में ना ज्यादा गर्मी पड़े ना ज्यादा बारिश पड़े ना ज्यादा ठंड पड़े सब बराबर एकदम टिप टॉप ए टू जेड। और इंदौर के लोगों ने भी ऐसे ही ना ज्यादा ठरम ना कोई ज्यादा मीठे ना ज्यादा कोई ठंडे ना ज्यादा मुतरे हैं सबके मुंह पे बहुत बढ़िया लोग इंदौर के एकदम सिंपल सादे सीधे है कि नहीं। क्यों है आप मानते हो कि नहीं। हाँ भैया मैं तो मानता हूँ। अब देखो जैसे मैं ही कितने साल से प्रॉपर इंदौर का ही हूँ आप तो नहीं मान रहे क्यों आपको क्या मालूम इंदौर का। आप प्रॉपर इंदौर के होते नहीं तो आपकी स्टाइल ही अलग होती जो अदा होती ना इंदौरियन की उसका कोई तोड़ ही नहीं है उसका कोई मेल ही नहीं पड़ रहा क्या। और आप कभी ऐसा देखना मतलब इंदौर वालों की ना एक अलग ही झांकी रहती है हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ अलग ही पहचान में जाते पूरी भीड़ में से कि इंदौर के भाई साहब। अब जैसे मेरे को ही देख लो आप अभी पूरी बस में कोई प्रॉपर इंदौर का होगा नहीं तो मैंने यूँ बोला अगर भियो तो वहां से आवाज आ जाएगी आगे से भियो जो भी इंदौर का प्रॉपर होगा हमारी इंदौर वाले की बात ही कुछ और है। आपके निमाड़ में तो क्या है यूं ही सूखा विखा फसल उगती नहीं है ना वो महाराष्ट्र लग जाता है वो उधर थोड़ा सेंधवा क्या खलगाड़ वलगाड़ तरफ जा कर के तो आप ना इधर के हो ना उधर आप तो बीच में लटक रहे हो है ना ऐसे बिल्कुल। पर उज्जैन के जाना होगा काम मकान दर्शन नहीं मैं रतलाम तरफ से चैन कुछ काम से आया था। हाँ नहीं तो मतलब लोग वैसे नहीं है महाकाल दर्शन के लिए जरूर आते हैं क्या ऐसी बात मतलब कुछ तो ऐसी बात है। मेरे को खुद को देख लो आप इतने साल से अप डाउन कर रहा था मैं जब भी अप डाउन करता था तो सुबह ऑफिस शाम को महाकाल ने रात को मेरे घर में मेरी देवी बैठती उनके यहाँ ऐसा रूटीन था अपना तो एकदम फिक्स टू फिक्स क्या सब बदल गया थोड़ा बहुत। बाकी रोड अच्छी हुई आप उज्जैन इंदौर की तो आपको मजा आया है वहां से जाने में क्या है भाई साहब सामिर। अरे देखो मैंने की थी ना अपन बातों बातों मजाक मजाक में सामिर पहुंच गए पेट का पानी नहीं हिला अपन लोग का एक क्यों भाई आपका भी नहीं हिला हुआ है ना जब पेट का पानी नहीं हिलता आप इंदौर से उज्जैन उज्जैन से इंदौर करो तो रोज कर लो आप दिन में 5 बार भले पता ही लगेगा क्या मतलब ऐसी हालत हो गई है भाई साहब अब तो इंदौर उज्जैन इतने पास आ गए कि तुम इंदौर से मुंह तो ना नाना घेड़ा तो गिर ही जाएगा ना उज्जैन से पारोगे नहीं तो अरविंदो तक तो पास आ ही जाएगी ऐसी हालत है आजकल तो बिल्कुल इतने पास हो गए।
और तो ये बस वाले ने थोड़े टाइम पास कम करे नहीं, अगर देवास गेट आना खड़ा पे तो करे कब के पहुंच जाए सलंग वहीं से, वहीं इंडोर सरवटिया सीधा, 1 घंटा लगता है, 1 घंटा। वैसे आप क्या करते हो? भैया मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ धामनोद में। अच्छा धामनोद में कॉलेज है? नहीं मेरे को आइडिया नहीं था एक्चुअली कि कॉलेज वाले भी मतलब धामनोद ऐसी ऐसी बड़ी जगह हो गई। मेरे टाइम पे तो बहुत छोटी जगह थी धामनोद, कोई नहीं था वहाँ, तो खाली पड़ा बंजर वीरान। मेरे को लगा इंदौर इंदौर पढ़ रहे हो, कहीं कोचिंग वोचिंग, कहीं कॉलेज वाले गुजराती रंजीत सिंह भी बहुत आते हैं आजकल छोटी छोटी पढ़ने के। आजकल तो ये तो सब छोड़ो, सबसे ज्यादा एमपी के लोग कुछ कर रहे नहीं अगर तो बच्चा पैदा करने के अलावा तो वो है बी। देख लो ना आप, मतलब भैया क्यों ऐसा, आप भी मानते हो ना ये बात? तो जितने मतलब एमपी में ना 90% लोग हैं जो है वो तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो 70% लोग जो है वो कर रहे हैं बी। और ऐसा लग रहा है कि अब तो इंजीनियर ही पैदा होएंगे आगे जाके, बाकी तो कोई बचने ही नहीं वाले, ऐसी हालत है इंदौर में ना। कने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, डॉक्टरों भी बनने लग गए हमेशा, मतलब मेडिकल मेडिकल कॉलेज, अपने डेंटल कॉलेज वन भी बहुत 4-5 खोल रही है एकदम ताबड़तोड़ में इनने, ऐसे जैसे कि मतलब सारे दांत के मरीज उन्हें इंदौर में मिलेंगे इनको, ये लिए सॉरी क्या। ये सब अपनी अपनी इच्छा की बात है। देखो अपन तो क्या नगर निगम में काम करते हैं आईडीए में, तो अपना ऑफिस तो वहाँ है, पुराना नगर निगम जो है ना मेन मेन बिल्डिंग अपने रामबाग तरफ जाता है पुल के पास, तो कभी काम हो आपको नगर निगम का इंदौर के तो बिल्कुल आप आदेश करो, और जो नहीं करवा रही है तो नाम पलट देना यार भाई साहब, आप कसम कह रहे हो सोगा नहीं कहीं पकड़ के गिर रहे हो, आपको ऐसी सर्विस मिलेगी। बाकी इंदौर रुक जाओ, कभी बस नहीं मिल रही हो ना कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मेरे रुक सकते हो, ऐसा अपने घर की बात है यार। आप भाई मैं भाई भाई अपन दो ही तो, निमाड़ इंदौर में दूरी कितनी है। और इतने में आ गया बाढ़, अब बाणगंगा की अलग ही बात है। ओ भैया फिर से जा गया भाई साहब, क्या आ गया बाणगंगा, लो ये बाणगंगा भी आ गया। चले चले देखो तो मतलब मैंने की थी ना आपको मजाक मजाक में, इंदौर पहुंच जाओ यार, पर आपका पेट का तो का कहीं कभी पानी नहीं हिलेगा अब तो, और पानी कम अलग पड़ जाएगा बैठे बैठे यहाँ पे, क्या ऐसा है? और मतलब क्या ये बाणगंगा देख रहे हो, ये इस दुकान देख रहे हो, ये वाली ये अपने उसकी है गुरु शुक्ला की दुकान क्या? वो तो बहुत बड़े और नेता भैया, बहुत बड़ी बड़ी चीजों ने शेयर में, अपन तो कोई पढ़ ही नहीं रहे इनके आगे, इनके नाखून सरीके भी नहीं अपन तो, ऐसे ऐसे ये तुमने सुना होगा वो विष्णु बड़े थे, नहीं सुना? जब तो मैंने कि तुम इंदौर प्रॉपर के हो ही नहीं, तुम में इंदौर वाला कोई बात ही नहीं है क्या? थे शुक्ला ब्रदर्स, ये बाणेश्वरी का नाम सुना है कि बस बस चलती थी? सुना नहीं सुना? वो बस वो वहीं के हैं, उनकी पूरी ये मंदिर देख रहे हो, मरी माता का यमुनी बनवाया, पूरा पूरा इलाका उनके नाम पे हिलता है, मतलब इनके नाम पे पत्थर फेंकोगे नहीं तो रोड बन जाती है, ये पूरा बाणगंगा नाम ही उनका बाणेश्वरी पूरा। और बाकी तो बहुत नेता भरे पड़े हैं यार भैया, क्या बताओ तुम्हारे को, अब ये ब्रिज देख लो मरी माता ओवर ब्रिज, कजन कब से बन रहा है, जब से मैं मतलब मेरा एक बच्चा बालक पैदा हो गया, मैं स्कूल जा रहा है, 1 मिनट भाई साहब पानी है तो आप कोल्ड ड्रिंक पियो है? अरे पियो यार बहुत ठंडी मिलती है कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे, पियो पियो। ये ब्रिज ही नहीं बन रहा है, नेतागिरी माड़ा पड़े, मतलब उसकी स्थिति कर रखी इनने, एक लाइन नहीं कट रही इन लोगों से, ये क्या देश चलाएंगे गिल चोरे सरी क्या? और देखो कब क्या होता है, ये तो इंदौर है, इंदौर की बात ही कुछ और है, और क्योंकि इसकी बात कुछ और है इसलिए इंदौर है। अब ये पुल पार करा मैं आ गया सरवट है, अब देखो ये अपना सफर तो ऐसे ही कटना था भाई साहब, मेरी बात और आपकी बात में अपनी यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, अपन तो क्या जाते हमारे दोस्त बना लेते हैं। बाकी कुछ काम हो तो बताना ही, मेरा नंबर ले लो, आप तो आइडिया का है, सस्ता पड़ेगा आपको आइडिया, अब तो बहुत है नहीं, बाकी याद करना है, पर याद रखना इंदौर की वो कुछ और है, इसीलिए इंदौर इंदौर है नहीं। चलूँ मैं।